हमने तो भैंस देखे काली कर काली गाय नहीं अरे ये सर इनको बच्चों को बच्चों को आप डेयरी फार्म ले जाइए फ्रेजियन नस्ल में आती है फ्रेजियन वो बिल्कुल काली होती है उसके दूध में दुगना पावर आता है यानी बहुत ही पौष्टिक होता है सर जैसे आप कह रहे हैं कि गोरे चीजों में उतना ब्रेन नहीं होता तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो गोरे हैं पर उनके उतना ब्रेन है वो कैसे होता है अब देखिए एक कहावत है ये चीज तो भगवान की बनाई चीज है पांच उंगली बराबर तो नहीं होता परसेंटेज हम देखते हैं परसेंटेज अगर हम काले हैं तो अकेला आदमी बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा जितना मेरा वर्क है ना आप मेरे हम आएंगे एल्बम लेके आप खुद कहिएगा कि पंडित जी बाबा जी आप हैं कौन कि यहाँ मेरे पास हमारा बेटा नहीं है कोई लौका ही नहीं लौकी है शादी कर दिया अपने अपने घर चली गई नौकर मैं जब यही काम मैं कर रहा हूँ तो नौकर नहीं है माली नहीं है अकेले दम से जो कुछ मैंने किया है किया और नारियल पैदा करना चीकू पैदा करना बाहर की चीज़ों को पैदा करना यहाँ बहुत से पेड़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गए काजू का पेड़ था बहुत से पेड़ थे सुपारी का पेड़ रहा लौंग का पेड़ अभी जीवित है वो एक आदमी या फिर ये कैसे कर रहा है सर ये आप कब से करना शुरू कर रहे हैं ये हमने ये बचपन से ही जैसे ये बालक है मैं हमारी जब एज ये थी तब हम यही काम में लगे रहते थे स्कूल में जाते थे वहाँ हमारी पिटाई होती थी हमने पढ़ना छोड़ दिया हमारे फादर जब मैं छोटा था हमारे फादर नहीं रहे तो हम आज़ाद हो गए तो इसलिए हम हमारा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा और न मेरे पास कोई डिग्री है लेकिन मैं डिग्री वालों को ढूंढता हूँ कि या तो हमें कुछ सिखाओ या फिर हमसे सीखो है ना मैं डिग्री वालों को ढूंढता हूँ अब हमारे जो जो लेक्चर होते हैं उसकी सीडी देंगे आप सर आपने किसी से सीखा है क्या कहीं नहीं सीखा कबीर दास जो थे तुलसीदास का आपने नाम सुना होगा वो अंगूठा लगाता था और तुलसीदास के ऊपर आज डिग्री कॉलेज में रिसर्च हो रहा है तो समय समय पर लोग आते रहते हैं तो हो सकता है कबीर दास का लाइसेंस भगवान ने हम ही को दे रखा हो सकता है तो मैं ये बेटी काम कर रहा हूँ ये तो मेरा आप साइन बोर्ड देख रही हैं मैंने स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा जा के मैंने पेड़ लगाए हैं मेनका गांधी जो पर्यावरण की सबसे बड़ी मानी जाती हैं जब आपकी उम्र की रही होंगी मेनका जी उस समय से मैंने पेड़ लगाए हैं पुलिस चौकी में स्कूलों में पार्कों में तो आपको जाने देते होंगे कि आप ऐसे घूम जाते होंगे क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं देते है किसी को अंदर कहां? अगर कोई गार्डन मिल जाए तो कौन हमको नहीं अब हमको लोग जान गए नहीं बचपन से तो अब हमको डिग्री कॉलेज में एक पेड़ पसंद आ गया हमने मालिश कहा अरे साहब हम ना दे पाइबे हमारी नौकरी चली जाई फिर रात में मैं गया हूँ कूद करके चोरी मैंने की है और तोड़ लाए डाल तोड़ के लाए पेड़ का नुकसान नहीं किया लाके अपने यहाँ बैठा कर दिया सर डाल से भी पेड़ उग जाता हाँ लेकिन सभी पेड़ नहीं देखिए बच्चों इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे बताएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा है ना आपको एक ही चीज बताएंगे आपका घर इतना सुंदर बना देंगे हम आप गमले में भी लगा सकते हैं हम एक ही चीज लेकिन सर से बोलिएगा कि महीने में एक बार हमको बुला मैं महीने में एक बार एक घंटे आधे घंटे के लिए तो हम आपको वही प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे ला पौधे भी और बहुत से बच्चों को हम पौधा भी पेड़ पौधे भी अपने पास से लाके देंगे हमको तो प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वो तो एक एक दो दिन में तो थोड़ी ना होगा वो तो हफ्ते चार महीने का तरीका बताएंगे कि इस पेड़ को डाल काटिए तो कैसे काटिए इस समय सीजन नहीं है ना तो हम शौक था तो बचपन से शौक था पेड़ खरीद के लाना अच्छे कपड़े न पहनना पिक्चर नहीं देखना टीवी और उस सब जमाने में तो टीवी थी भी नहीं कुछ हमारा मन नहीं लगता था पेड़ पौधा लगाना अगर आपने मांगने से नहीं दिया तो आप यहीं अमरात में पहुंच गए चोरी करेंगे जाके सर सब लोग को तो पर्यावरण से मतलब सबको उतना प्यार नहीं होता तो आपको इतना क्यों है अब ये बताए ना कि जैसे कबीर को लाइसेंस मिल गया था ना अंगूठा लगाता था उसको भगवान ने उसके दिमाग में यही दिया जाओ तुमको ये काम करना है ये मान के चलिए कि हमको भगवान ने इसी के लिए भेजा सर आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करते थे मना करते थे कि हमारी पिटाई होती थी फिर भी हम नहीं मानते थे लगन थी ना तो लगन थी इस काम को करते थे सर आप कभी सर आप पेड़ लेते हुए साहब पकड़े गए सर आप कभी पकड़े गए हाँ कभी नहीं सर देख तो लेते होंगे कुछ बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं अब वहाँ गए हमने मालिक से कहा हमने कहा भैया तुम्हारा सामान आ गया हाँ भैया देखिए ये है छुहारे का पेड़ बस वही देखिए तो बहुत बड़ा पेड़ आपको दूर से दिख जाएगा ये जो है छुहारा है नहीं ये छुहारा है
वो खजूर है, लेकिन ये दोनों पेड़ बच्चों नर निकल गया, अभी तक विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँचा है, इसमें कभी फल नहीं आवेगा। ये पेड़ नर निकल गया, इसमें रस निकलेगा लेकिन कभी फल नहीं आवेगा। ये तुम्हारा इसमें कभी आवेगा नहीं, पेड़ तो है तो इसमें इससे रस निकलता है, ऊपर से निकालते हैं जो जो लोग कारीगर इसके होते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो लोग निकालते हैं। अच्छा वो हो गई खजुरिया, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये पेड़ पत्तियों में करीब से देखने में अंतर दिखेगा, और इसको हम पत्ती तोड़ के ला के आपके स्कूल में दिखाएंगे, है ना। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आइए थोड़ा रास्ता, अब आपको नारियल दिखा दे, बस एक आध शर्ट ले लो यार, पहले बता देगा, गुच्छा तोड़ के स्कूल में आपको ला के खिलाएंगे और दिखाएंगे। ये काला अंगूर है, लेकिन इस समय इसमें कुछ नहीं है, केवल ये लकड़ी लकड़ी दिख रही है। ये अभी आपका जून में शुरू हो जाएगा, है ना, काला अंगूर है, बहुत ठीक तो होना ही चाहिए। अच्छा अब आपको हम वो नारियल बच्चों देखें, आज यहाँ 200 साल से हो रहा है। सो ये यहाँ पे मिट्टी तो अलग अलग होती है? नहीं, ऐसा है, मिट्टी यहाँ पर मिट्टी हमने खोद के बदल दिया है, दूसरी मिट्टी डाली। कितना अब वो सब बच्चों बताएंगे, अब देख रहे हैं कि हवाई जहाज से हमारे कैमरा मैन आए, अब ज्यादा सवाल करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हम स्कूल में एक एक चीज बताएंगे आपको। सर यहाँ पे कितने तरह के लगभग पेड़ पौधे होंगे? अब यहाँ बेटी अगर सबका गिनती हम बतावें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे काल से कम 150 टाइप का पेड़ तो कम से कम। अच्छा अब ये आपका, आपने नारियल देख लिया? यस सर। अच्छा और आपको बारहमासी आम देखा मैं, आप लोग लाइन लगा के आइए, आप लोग ऐसे देखते जाइए और वहीं पर इकट्ठा होते, देखो बच्चों आम लगा। हाँ आप लोग इधर आगे जाते रहिए, बढ़ते रहिए आप लोग, फिर एक एक की जाओगे। आइए कुछ करेंगे। अच्छा बच्चों थोड़ा इधर ध्यान देना, क्यों आगे निकल जाएंगे तो एक चीज छूट जाएगा। ये आम्रपाली आम है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है आम्रपाली, ये आमों का राजा है, इससे अच्छा आम हमारे इंडिया में नहीं होता आम्रपाली। अब इसमें बौर आएगा बसंत के बाद, ये आम्रपाली आम है। और बच्चों यहीं से देख लो जो ये जो ऊपर वाला पेड़ है, ये आपका चाइना लीची है, ये सितंबर के महीने में आपको लीची इसमें मिलेगा, और जबकि लीची का सीजन यहाँ का जो है वो जून है, मई जून सितंबर में लीची, ये है चाइना लीची इसे कहते हैं, छोटा छोटा होता है और मीठा होता है, तो कॉमन चीज है, हम रेयर लगाते हैं, तब तो आप हमारे यहाँ कुछ अच्छा है तब तो आप देखने आए, छोटा पारी तो क्या कॉमन चीज है। हाँ लो भैया ये बच्चों, हर सिंगापुरी कमरक, यहाँ जो यूपी में कमरक होता है उत्तर प्रदेश में वो खट्टा होता है, ये कमरक खट्टा होता ही नहीं, और ये झिल्ली में बांधे हैं कि चिड़िया इसको गिरा देती है पकने पर। तो हम फिर आप लोगों को, आप जैसे आए हैं तो हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं उनको हम क्या दिखाएंगे, तो ये है, अभी ये ठीक से पका नहीं है, फिर भी देखिए चिड़िया ने टोट मार दिया। हाँ नीचे तो आम गिरते हैं, इसमें हम फल तोड़ करके आपके स्कूल में हम इसको भेजेंगे, ठीक, ये स्कूल आएगा। अब ये देखिए इसमें अच्छी सुगंध होती है, और कैसा भी बेटा थोड़ा सा ठीक है, ठीक है आपको फिर दिखाएंगे, आपको खाने को मिल जाएगा, बेकार है ये बेटा, ठीक नहीं है, इसलिए इसे तो के हम आपके सर के पास भेज देंगे, अब आप लोग सर से ले लीजिएगा, लेकिन सर लेकिन अच्छा बच्चों एक चीज आपने देखा, अब ये देखिए बड़ा वाला पेड़ काफी, ये अभी समय छोटा है, ये जो है अभी ये बड़ा जब होगा, हाँ अरे इससे अच्छा बेर आता ही नहीं, ये तो इंडिया की चीज है, यहाँ का इस साइज का बहुत, और ये भी हम स्कूल आके भेजेंगे, जितने बच्चे आए हैं उनको तो हम देंगे ही कम से कम, ठीक, इससे लाभ क्या है, फल है और अच्छी चीज है, देखिए नहीं स्वाद भी है और लाभ भी है,
इसमें लाभ यही है कि खांसी नहीं आती है तो खांसी आने लगेगी। अगर आती है तो और अगर खांसी आ रही है तो और उसको बढ़ा देगा। अच्छी वैसे यही ये रोगी लोग तो ठीक है, बूढ़े लोग इसको नहीं खाते हैं, ये थोड़ा नुकसान। आप लोग आते हैं बाहर के आते हैं उनको मैं दे देता हूँ तो आपकी ये विद्यालय पहुँचेगा। और हम करके जो आई थी रायबरेली उसको मैंने जिसका ये गोल्डन चंपा फ्लावर है सर, गोल्डन चंपा फ्लावर जी, ये हमने इनको सोनिया जी को भेंट किया था। तो ये मई जून में इसमें फूल आता है और कॉमन नहीं है सर, ये बड़े मुश्किल में होता है यहाँ पर बहुत, इसके बहुत सामने हमने पेड़ लगा गोल्डन चंपा फ्लावर। और इसमें भावरा जो होता है काले रंग का भावरा, इस भावरे को अगर आप पकड़ के किसी चीज से और फूल में उसको ऐसे नाक में लगा दीजिए तो भावरा बेहोश हो जाएगा। लेकिन हम आप बेहोश नहीं होंगे, हमको आपको नुकसान नहीं करेगा। ये फूल कब बनता है? ये सर मई से शुरू मतलब आती है ना, बड़ी अच्छी आती है, बड़ी तेज महक आती है। आइए बच्चे आ जाओ सब कुछ, आओ आओ बच्चों आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ ये लौंग का पेड़, लेकिन यहाँ पर लौंग कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। ये लौंग अगर होगा तो सर के इलाके में होगा, जो आपके सर आए हुए हैं उनके वहाँ तो हो जाएगा केरल में। नहीं मिट्टी उट्टी भाई आप केरल की मिट्टी कहाँ पाएंगे। तो ये है कि हो गया, इसकी बच्चों पत्तियों में ही सुगंध है और इसकी पत्तियाँ जो हैं। हम भैया अब आपका कैमरा का काम हो गया, अब आप जल्दी जाएं क्योंकि बहुत देखिए नाराज होंगे। और चाहे अब ये दुगने दाम का मिले हम वो कहीं से ना मिले लेकिन दिल्ली से मैं मंगवा लूँगा। क्यों अब ये मौके कहाँ आएंगे? अरे हमारे देश के होनहार हमारी भावी पीढ़ी बच्चे ही तो हैं, हम लोग तो मर के चले जाएंगे, हमारे देश को कौन संभालेगा? तो इससे हम तो समझते हैं मेरे यहाँ कोई अगर मंत्री आ जाए तो हम मंत्री को नहीं महत्व देंगे। होगा मंत्री वो तो खाता है लूटता है, लेकिन ये बच्चे तो सीख रहे हैं हमसे। अब बच्चे ये जो कैमरामैन के बैक साइड में केला का पेड़ है होगा और इसमें ये जुलाई के चाइना का मतलब जो चीज है बिल्कुल छोटा होगा। पत्ती दीजिए आप लोग जरा जरा सा, नहीं बच्चे अभी एक काम को दे देंगे बस बस वहीं रहिए सब बच्चे आ जाए। तो ब्रह्मो पीछे से ले लो या स्टूल ले लो, स्टूल ले लो कोई स्टूल जो है आप जो संतरा खाते हैं ना बाजार में तो ये संतरे का पूर्वज है, ये समझ लीजिए आप। संतरा जो है इसी को डेवलप कर करके बनाया गया। तो बड़े हो गए ये तो बेहद खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है ये और इसमें अच्छी सुगंध भी होती है। तो ये भी आपके विद्यालय में हम आएंगे तो लौंग की पत्ती है और ये आपका ये है, जितने हमारे पास सामान होंगे हम थोड़ा थोड़ा सबको ला के देंगे ठीक। अब विद्यालय हमको बुलाइएगा ताकि और भी बच्चे अगर प्रेयर के समय बच्चे हमारी बातों को सुनेंगे तो उनको और भी कुछ शिक्षा मिल जाएगी। तो ये चाइना नारंगी है और आपको वर्ल्ड की सबसे महीन पट्टी दिखाएंगे, उससे महीन पट्टी पूरे वर्ल्ड में विश्व में आपको नहीं दिखेगा। पट्टी केवल पट्टी है, उसका नाम है हाँ उसकी लीप उसका क्या अंग्रेजी बोलते हैं लीप पट्टी, उससे महीन पट्टी हमने आज तक नहीं देखी। क्या कहते हैं उसका? ये है कि स्प्रे आप करेंगे, स्प्रे गैस उसका नाम है। अब हमको बच्चों अंग्रेजी आती नहीं, हम किसी तरह हमने सुन रखा है। आप स्प्रे कीजिए वार्निश से महीन स्प्रे कीजिए और एक सुनहरा जो एक चमकीला पाउडर आता है वो पाउडर डाल दीजिए तो वो पट्टी बिल्कुल लगेगी कि किसी ने पीतल की पट्टी बना दिया है, बहुत ही सुंदर बिल्कुल लगेगा पीतल का बना हुआ। हाँ वो तो भाई तो आपके ऊपर अगर बढ़िया वाला लाएंगे अच्छी क्वालिटी का तो चमकेगा और आप सस्ता वाला लाएंगे तो वो कम चमकेगा। ये क्या ये पट्टी या फेंट पट्टियाँ ना, ये पट्टियाँ बच्चों हमारे यहाँ हैं लेकिन अब हम सारी स्कूल को तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि हम 10-20 पट्टियों को देंगे जुलाई के महीने में। सर जुलाई में उगती होंगी?
नहीं इसमें है पट्टी है, आप लोग उधर आ जाइए, आपको है फर के लिया, फर के लिया। और इसको अग्नि शिखा भी हिंदी में कहते हैं, अग्नि शिखा। खत्म हो गई, ये बुढ़ा हो गया, इसमें ये जो डंडा निकल आया है अब ये धीरे धीरे पेड़ मर जाएगा। और ये मरने के पहले तमाम बच्चे इसके ऊपर लगे हुए हैं, उन बच्चों को हमने देखिए नीचे गाड़ रखा है जमीन में। ये 100 प्लांट है, जब छोटा रहेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। और इसमें का हम ज्यादा नहीं 20-25 पेड़ भी हम आप लोगों को देंगे अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में हम इसका पेड़ आपको देंगे। आपने इसको आपने यही सब नीचे लगा है बच्चों, अच्छा जिला बच्चों से खेलता है नेचर हमारा जो है। ये पेड़ जो है ये अफ्रीका का है, नोलीना, नोलीना का अफ्रीका का है, नोलीना। बड़ा मुश्किल है आम खाने से, मतलब कि आम बेचने वाले के बाप का नाम पूछो। इसमें देखिए प्रकृति ने खेल क्या किया है, देखिए ये ऊपर बिल्कुल जस्ट लाइक फव्वारा, फव्वारा समझते हैं, ये फव्वारा जैसा है। ये हो गया पाइप, जो डंडा है ये पाइप का काम कर रहा है। और इसके नीचे ये गोल गोल जो बना हुआ है ये टंकी, अभी आप आइएगा देखिएगा नीचे इसका टैंक हो गया, यानी पानी लगा के पानी भरा है। एक पाइप भगवान ने निकाल दिया नेचर ने और ऊपर फव्वारा बना दिया। जब जुलाई में पानी बरसता है और पानी इसके ऊपर जब गिरता है तो आप उस समय अगर देखेंगे तो लगेगा कि कोई फव्वारा से पानी गिर रहा है ना। ये नेचर भी अपना खेल करता रहता है ना। अब ये भी अपने जाड़े में रंग बदलता रहता है। और ये देखिए ये कलकत्ते का मुसुंडा है, इसका नाम लिखिए मुसुंडा। हाँ कलकत्ते का मुसुंडा, इसकी खासियत है ये साल के 8 महीने फूल देता है लगातार। इस समय जाड़े में मुसुंडा, ये कलकत्ता है आपके कोचीन में बहुत होता है, ये मतलब केरल में आंध्रा में खूब होता है ये। तो ये 8 महीने कंटिन्यू फूल देता है और बड़ा सुंदर फूल आता है। जाड़े में ये इसकी हालत बिल्कुल खास्ता हो जाती है, क्यों ये पेड़ जो है ये जाड़े का मौसम का है ही नहीं, यहाँ का तो है नहीं ये। आप और इस पाम की उम्र जानते हैं बच्चों कितनी होगी, आप लोग आइएगा देखिएगा, इसकी उम्र है 35 साल। जी हाँ 35 साल का इतना बड़ा पेड़ है, से विदा हो जाएंगे तब ये पेड़ जवान। जैसे बच्चों एक बात याद रखो, अखरोट, ए बच्चे ध्यान दो, अखरोट का पेड़ जो हिमालय में पहाड़ पर होता है वो 100 साल के बाद उसमें फल आता है। अखरोट का फल जो होता है बच्चों, पेड़ लगाने वाले ने आज तक उसका फल कभी नहीं खाया, याद रखना। अखरोट जो हिमालय पर पहाड़ पर होता है, मार्केट में बिकता है मेवा अखरोट, फुलावेंगे अखरोट भी हमने यहाँ लगाया। और यह भैया जून का महीना आया और दूसरे दिन देखा वो गायब कदम, भाई कहाँ वो बर्फ के इलाके का। तो अखरोट 100 साल में फल देता है। ये ड्रेसीना है वहाँ भी जो है, अब गर्मी में उसी रंग में आ जाएगा और गर्मी पड़ेगी तो ये हरा हो जाएगा ऑटोमेटिक कलर बदल, कोई दवाई नहीं। अब ये है लेकिन इसके लिए जो हमारे बैड लोग हैं, इसकी पत्ती ही फूल बन जाती है। हाँ ये देखिए इसका फूल तो इसलिए है लेकिन इसकी पत्ती ही जो है ये अपने फूल बनाती है। पेन सुतिया है, ये जाड़े में ही रंग होता है इसका लाल, आप लोग आ जाए बस 100 प्लांट है। आइए आपको वर्ल्ड की महीन पत्ती दिखाएंगे, इससे महीन पत्ती आपने नहीं देखी होगी। आइए आप यहाँ सब इकट्ठे, एक पत्ती हम सर को देंगे ताकि ये स्कूल में बच्चों को दिखाएंगे सबको। वर्ल्ड की सबसे महीन पत्ती है, आप लोग देखो देखो बच्चों है ना, देखिए सबसे बड़ा पत्ता केले का होता है जिसमें 4 बच्चे बैठ के एक साथ खाना खा सकता है। इसमें तो कोई चींटी भी नहीं खाना खा सकती है ना, कितना कितना महीन है। और ये सूखने पर ये फूल है, इसे हमने लगा दिया। अच्छा हमारे बच्चे खेल रहे थे, हमने कहा लो इसी में लगा दिया। ये विश्व की सबसे महीन पत्ती है, इसका नाम है, आप लोगों ने नोट किया है, इस प्रेगर।
नहीं ये है तो ये बच्चे अच्छा सवाल है आपका। इसकी जड़ काम में आती है, जिसके बाल लंबे ना हो इसकी जड़ को पीस के अगर बालों में लगावे तो एक महीने के बाद बाल को काफी बढ़ा देगी। नहीं कम से कम एक हफ्ते लगातार लगाना पड़ेगा। लीजिए सर इसको कॉपी में रखिए। याद रखो कि एक अकेला आदमी इतना काम जब कर सकता है अकेले, तो आपके घर में तो बहुत से लोग होंगे ना, तो सबको मिल करके आप लोग घर में गमले तैयार करें। उसका हम तरीका भी बताएंगे। बहुत से बच्चों को जो हमारे यहाँ पौध होगा उसका हम पौध देंगे, जो मेरे यहाँ नहीं होगा हम बता देंगे, मार्केट से आप लोग ले लीजिएगा। तो एक अकेला आदमी, ये तो मेरा गार्डन का आपने देखा ना, जानवर की सेवा, अंदर एक गाय बंदी है, गुड्ढी गाय है, उसके सामने आग जला रखा है। रोज शाम को मैं जाता हूँ बंदर खिलाने, उसकी सीडी आपको, बंदरों को मैं खाना देता हूँ रोज शाम को, और उसकी मेरे पास सीडी रखी है, हम सीडी सर को देंगे। आप लोग स्कूल में, सर आपके यहाँ वहाँ सीडी आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं, दिखाइए ना। तो बच्चों ये देखना कि एक आदमी कितना वर्क करता है। तो जब एक आदमी इतना कर सकता है, बूढ़ा आदमी कर सकता है, तो आप लोग तो अभी जवान हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों याद रखो, हम ये चाहेंगे, सर एक मिनट, जितने बच्चे आए हैं, अगर मेरी मेहनत का, हम अपनी मेहनत का फल जभी समझेंगे जब हर बच्चा अपने घर में एक गमला तैयार करके आपको दिखाएगा, और स्कूल के तरफ से प्रिंसिपल साहब से कहिएगा कि इन लोगों को एक एक नंबर या जो ठीक समझे अलग से दे दें। ईवीएस में एक्स्ट्रा नंबर, जी सर, है ना, इनको नंबर एक्स्ट्रा से सब दिलवाइएगा। देखिए जब इनको कुछ मिलेगा तब इनका उत्साह बढ़ेगा, और स्कूल हमको जल्दी जल्दी बताइए, महीने में एक बार भी बुलाइएगा, हम सारे बच्चों को ट्रेंड कर देंगे।